गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं उसका हमें एनालिसिस करना है तो आप देखिए कि ट्रांसफार्मर में हमारे दो पार्ट होते हैं एक तो ट्रांसफार्मर की कोर होती है और एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है तो जो लॉसेस होंगे हमारे वो भी वहीं पर एग्जिस्ट करेंगे एक कोर के अंदर और एक वाइंडिंग के अंदर तो जो कोर में लॉसेस होते हैं वो हमारे दो टाइप के लॉसेस लौ, होते हैं एडी एडिक्रेंट लॉसेस और हिस्टेसिस लॉसेस और जो वाइंडिंग में होता है वो होता है हमारा कॉपर लॉसेस ओके तो ये कोर लॉस को एनालिसिस करने के लिए आप एज्यूम करिए कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो कैसी होती है हमारी एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है और वो कैसी होती है फिक्स्ड होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते जो आपने बना दिया एक बार का साइज़ वही है तो ये जो फिक्स्ड है तो इसलिए इसका नाम होता है फिक्स लॉसेस अगर आपसे कोई पूछे कि कोर लॉस का दूसरा नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि कोर लॉस को हम फिक्स्ड लॉसेस भी बोलते हैं ठीक है अब उसके बाद आती है हमारा नंबर वन एडी करंट लॉस तो एडी करंट लॉस क्या है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग फील्ड ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द कोर विच कॉज द इंड्यूस्ड करेंट नोन एज एडीकरेंट एंड द करेंट लॉस इन वर्ड्स इज नोन एज एडीकरेंट लॉस यानी कि आपका ये जो आपने देखा कि वहाँ पे उस दिन मैंने आपको वर्किंग समझाई थी तो वर्किंग में सप्लाई वोल्टेज कहाँ जा रहा था वाइंडिंग में जा रहा था और वाइंडिंग में जाने के बाद वहाँ पर एक ई e एम एफ इंड्यूज हो रहा था तो वहाँ पर जो ई e एम एफ इंड्यूज हो रहा है वो क्या कर रहा है एक करेंट भी प्रोड्यूज कर रहा है तो वो जो करेंट प्रोड्यूज हो रहा है उसमें उसको हम क्या बोलेंगे एडी करेंट और उसमें जो लॉसेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे एडी करेंट लॉस और इसकी यूनिट क्या होती है वॉट और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं डब्ल्यू ई e से इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा डब्लू ई इज इक्वल टू के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी यहाँ पर बी एम क्या है आपको पता है बी होती है फ्लक्स डेंसिटी और बी एम हो गया मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एफ हो गया फ्रिक्वेंसी टी हो गया थिकनेस वी वॉल्यूम और के ई है हमारा एडिक्रेंट कॉफिशेंट तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में एडी एडीकरेंट लॉसेस को फाइंड आउट करना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा ओके okay? नेक्स्ट है हमारा हिस्टेरेसिस लॉसेस हिस्टेरेसिस लॉस किस पर डिपेंड कर रहा है कि जो क्वालिटी आप मटेरियल की यूज़ कर रहे हो कोर को बनाने के लिए तो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट आयरन मटेरियल का हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन मटेरियल कौन सा होता है हमारा सी आर जी ओ सी आर जी ओ का फुल फॉर्म क्या होता है कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील तो अगर हम इस टाइप के मटेरियल का यूज़ करेंगे तो हमारे लॉसेस उसमें कम हो जाएंगे और हिस्टेरेसिस लॉसेस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं डब्ल्यू एच से और इसका जो फार्मूला होगा वो होगा के एच बी एम की पावर वन पॉइंट सिक्स एफ़ वी जूल्स यहाँ पर के एच क्या है हमारा हिस्टेरेसिस कॉफिशेंट बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एफ फ्रीक्वेंसी एंड वी आपका वॉल्यूम और यूनिट क्या होगी इसकी जूल्स नेक्स्ट है हमारा कॉपर लॉसेस तो कॉपर लॉसेस कहाँ पर होगा जो पार्ट कॉपर का बना होगा तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो किसकी बनी हुई रहती है कॉपर की तो दो टाइप की वाइंडिंग है तो इसमें जो होगा वो कहाँ पर होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस लॉस टेक प्लेस इन द कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल मीन्स आपकी वाइंडिंग तो यहाँ पर यह एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे पी ओ एच से और इसका फॉर्मूला क्या होगा आई स्क्वायर आर वॉट्स अब क्योंकि हमारी दो वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी तो हम यहाँ पर प्राइमरी के ले लेंगे आई वन स्क्वायर आर वन और सेकेंडरी के लिए ले लेंगे आई टू स्क्वायेयर आर टू दोनों वाइंडिंग के हमें ओमेक लॉसेज मिल जाएंगे तो ये जो टॉपिक है आपका ये किसके लिए है ट्रांसफार्मर के लॉसेज के लिए फिर से सुन लीजिए कि ट्रांसफार्मर में दो लॉसेज हैं आपके एक तो आपका होता है कोर लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस कोर लॉस कहाँ एग्जिस्ट करेगा ट्रांसफॉर्मर की कोर में और कॉपर लॉस कहाँ एग्जिस्ट करेगा ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में क्योंकि कोर जो होती है इसलिए हम कोर लॉस को फिक्स लॉसेस भी बोलते हैं और वाइंडिंग आपकी वेरिएबल होती हैं तो इसलिए आप उसको वेरिएबल लॉसेस भी बोल सकते हो ओके थैंक यू